हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे ब्राइटक्रॉम ग्रुप के बारे में, मतलब BCG शेयर के बारे में। करंट प्राइस चल रहा है 68.75। लास्ट सेशन में गिरावट देखने को मिली है -4.91% की। मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव थे फ्रेंड्स। लो बनाया है इसने अभी तक 3.48 का 52 वीक, एंड हाई है 122 के आसपास। फ्रेंड्स, जानेंगे कि इतनी गिरावट क्यों हो रही है, शेयर में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट क्यों उठ रहा है, एंड मैनेजमेंट की क्या फॉल्ट है। एंड फ्रेंड्स, बोनस को लेके बहुत से इन्वेस्टर्स में पैनिक है, तो इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। आपको वीडियो के एंड में डेट भी बताऊंगी कि वहां तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बोनस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। आप सबको पता है मार्केट कैप है 13873 करोड़ का, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। IT सेक्टर की कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क करती है। एंड फ्रेंड्स, एक टाइम पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है शेयर ने, बट अभी मार्केट अभी इस शेयर में गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये शेयर फ्रेंड्स 120 से 70 तक आ गया है, तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट है। लास्ट सेशन में आप वॉल्यूम देखें तो सिर्फ 27 लाख का है, जो कम होता दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है और ये सब क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। फिर भी एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि 68% आपको इसे बाय करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि सेलिंग EMO ऑर्डर लगा हुआ है, तो उससे भी अगर अगले दिन मंडे को ये अगर ओपन होता है तो भी फ्रेंड्स इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, रिजल्ट से रिलेटेड, Q4 के रिजल्ट से रिलेटेड अभी तक मैनेजमेंट ने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं दिया, जबकि Q3 का 25 जनवरी को रिजल्ट आ चुका था, लेकिन इसके बाद मैनेजमेंट ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं दी है कि रिजल्ट कब आएगा। अदरवाइज अगर हम और IT कंपनीज देखें तो उनका रिजल्ट आ चुका है। फ्रेंड्स, जो लोगों के अकाउंट में डीमैट अकाउंट में इसके बोनस शेयर क्रेडिट होने थे, अभी तक किसी के भी अकाउंट में नहीं हुए हैं, तो पैनिक एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़ रहा है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको डेट डेफिनेटली बताऊंगी कि मई एंड तक आप इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग Q4 रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो जान लीजिए कि मई एंड तक आपको इसका रिजल्ट आता देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब बहुत ही कंफ्यूजन है कि शेयर को सेल करें या होल्ड करें, बिकॉज बोनस शेयर उसी रेट पे आएंगे जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, बिकॉज गिरावट हो रही है और इस गिरावट के टाइम पे अगर बोनस शेयर आते हैं तो आपको उसी रेट पे आएंगे जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा। फ्रेंड, यहाँ पर मैनेजमेंट की साइड से फॉल्ट देखा जा रहा है, बिकॉज आप सबको पता है कि CDSL की तरफ से क्रेडिट होते हैं जो अभी तक नहीं हुए। बट फ्रेंड्स, अगर और कंपनीज है औरों के तो बोनस शेयर क्रेडिट हो चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि इन्होंने एक अनाउंसमेंट भी करी है। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है कि सेबी का अप्रूवल का वेट है, उसके बाद से ये आपको अकाउंट में क्रेडिट होते मिल जाएंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बोनस आपको आ सकता है 21 मई तक। तो टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स, 21 मई तक बोनस आ जाएगा। और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताती हूँ, 60 रुपीज़ इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और शॉर्ट टर्म टारगेट आप यहाँ से 90 रुपीज़ का लेके चल सकते हैं। थैंक यू।